और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज वन इंडिया के एडिटर इन चीफ मारूफ रजा मेरे साथ जुड़ गए हैं। मारूफ जी, बड़ा मौका है, देश के लिए गर्व की बात है, नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह 28 मई को होना है, लेकिन विवाद जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। याचिका दाखिल की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि नहीं, ऐसी याचिका पर हम कोई सुनवाई नहीं कर सकते, अगर आप बार बार याचिका दाखिल करेंगे तो फिर जुर्माना वसूला जाएगा। काजल, सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए सिरे से खारिज कर दिया और ये सवाल खड़े करते हुए कहा कि आप किन आधारों पे, किन तथ्यों के साथ हमारे यहाँ पर आए और आपका इससे क्या लेना देना है, आप जनहित याचिका से किस तरीके से आपका संबंध है, आपका इसमें क्या अहित हो रहा है वो बताइए। तो याचिकाकर्ता ये बताने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा कि आप सांसद हैं, आप विधायक हैं या और किसी आप सरकारी ओहदे पर है तो आप बताएं, वो बताने में असमर्थता जाहिर। तो जनहित याचिका का मतलब सीधे तौर से ये होता है कि किसी भी बात को लेकर के उससे जनता को नुकसान कहाँ पहुंच रहा है, जनता के अधिकारों को ठेस कहाँ पहुंच रही है, जनता किस तरीके से जनता को नजरअंदाज किया जा रहा है, ऐसी कोई बात भी सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आई। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ये याचिका को हम खारिज करते हैं और ऐसी याचिका दोबारा मत लाइएगा वरना हम आपको जुर्माना भी करेंगे। और इससे आगे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस याचिका के डालने के पीछे मकसद क्या है ये भी हम जानते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इशारों में ये बात कह दी कि इस याचिका का जो मकसद है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल गेनिंग है और पॉलिटिकल और बात का खेल खेला जा रहा है। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के जो अधिकार क्षेत्र है वो बिल्कुल साफ तौर से डिवाइडेड है, उनमें थिन लाइन है। इसलिए जब भी कभी ऐसा द्वंद होता है, कोई दिक्कत आती है, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के क्षेत्रों में दखल अंदाजी नहीं करते। इसलिए साफ तौर से उन्होंने कहा कि ये इसको हम नहीं सुन सकते, ये हमारा काम नहीं है। बिल्कुल मानव जी, देखिए अगर इस संसद भवन की हम बात करें तो जब से इसकी उद्घाटन की तारीख नजदीक आई है और ये पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद का उद्घाटन करेंगे, तब से हम देख रहे हैं कि इस पर राजनीति बखूबी हो रही है। देखिए आज सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया है, लेकिन जो बॉयकॉट चल रहा है वो कब रुकेगा, क्या ये जरूरी है? नहीं, देखिए बॉयकॉट तो अपनी जगह है। सीधे तौर पे 2024 के चुनावों के मद्देनजर दो बड़े गोल बने हुए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी है तो दूसरी तरफ जो है 21 पार्टियां, उसमें हर रोज एक नई पार्टी का इजाफा हो रहा है तो वो अलग है। उसका इस यूं कहूं के याचिका से या सुप्रीम कोर्ट के मना करने से कोई लेना देना नहीं। हालांकि मोरल ग्राउंड पे जो है वो बीजेपी का मोरल हाई होगा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया और जो है पूरी फजीहत हो गई है। हालांकि विपक्षी पार्टियों का इसमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कोई सांसद नहीं गया था, कोई विधायक नहीं गया था, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता या पार्टी इसमें पार्टी नहीं बनी थी। अगर बनती तो मामला शायद कुछ और होता, ये कुछ और चलता। और अब दूसरी बड़ी बात ये, क्योंकि कल का ही दिन सिर्फ बीच में शेष है, उसके बाद इतवार है, इतवार वाले दिन जो उसका उद्घाटन है, तो आप कुल समझ लें कि बीजेपी इसको अपने गेन के लिए कह सकती है कि देखिए विपक्ष को जो है मुंह की खानी पड़ी। लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से इस बात को लेकर सतर्क है कि वो प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आगे रखना चाहता है। वो कहता है कि दोनों सदनों की जो सर्वे सर्वा है वो राष्ट्रपति होती है और राष्ट्रपति क्योंकि इस बार महिला भी है, महिला देश की आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती है, प्रतिनिधित्व करती है, और वो महिला जो आदिवासी समुदाय से आती है उनको रिप्रेजेंट करती है। तो आप ये समझिए कि ओबीसी भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और ऐसे में अगर उनको नजरअंदाज किया जाता है तो पूरा का पूरा जो विपक्ष है वो अपनी लकीर को लेकर के, अपने उद्देश्य को लेकर के लगातार वार करता रहेगा, बीजेपी पर भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी। लेकिन ये साफ हो गया है कि सियासत इसमें चलती रहेगी जब तक के 2024 का चुनाव नहीं आ जाता। बिल्कुल मारूफ जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे तक साझा करने के लिए।